दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बिना बजट के सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में एक बार कांग्रेस ने इस तरह से धोखाधड़ी की, लेकिन इस बार भाजपा कांग्रेस को मातृशक्ति के साथ इस तरह का धोखा नहीं करने देगी। उन्होंने कहा प्रदेश की महिलाएं इस झूठ का जवाब कांग्रेस को अवश्य देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी योजनाओं पर वोट देकर भाजपा को हिमाचल की हर सीट से जीत दिलाएंगे। महिला के साथ किया वो वादा 1500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा 18 से 60 साल की आयु की, उस पर कोई भी काम नहीं किया। और अभी बजट पारित करने के बाद 5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आया कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और 5 मिनट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी जाती है हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल के बाद हम देने की घोषणा करते हैं। 5 दिन पहले बजट पारित हुआ। बजट के अगर हर मद में अगर आप देखें तो बजट प्रावधान उस स्कीम के अंतर्गत है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आ गए और चुनाव आ गए तो चुनाव जीतना है। फिर से झूठ बोल करके किस सेक्शन को हम टारगेट करें, टारगेट करने के लिए वही सेक्शन ढूंढा जिस सेक्शन के साथ, यानी कि हमारी माताओं बहनों के साथ जो झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में जो काम किया उसी काम को फिर से करने की कोशिश की है। और उसके पश्चात हमने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में एक फॉरम बनाया गया और ये फॉरम लगभग उसी तरह का फॉरम है जो विधानसभा के चुनाव से पहले उन्हें महिलाओं की गारंटी के लिए वो फॉरम भरे थे, जिसमें उन्हें गारंटी दी कि हम गारंटी देते हैं, हम धारक जो है वो इस बात की गारंटी देते हैं कि हर महिला को 1500 रुपए मिला दिया जाएगा। अब उसी तरह का लगभग उसी तर्ज पर फॉर्म बना करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें एक तरफ पूर्व में प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी का फोटो है और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का फोटो है। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि महिलाओं को गाड़ियों में भर भर करके लोक मित्र केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा। महिलाओं को भर भर करके घर से गाड़ियों में BDO के ऑफिस में, तहसील वेलफेयर के ऑफिस में पहुंचाया जा रहा है और उनको एक ही बात कही जा रही है कि अगर फॉर्म भरने में आपने विलंब कर दिया, देर कर दी, तो उसके बाद जो है आपको आपकी पात्रता नहीं मानी जाएगी। मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश से दर्जनों फोन कॉल्स आई है पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की और कुछ जगह जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में कर्मचारियों के अधिकारियों के भी फोन भी इस बात के लिए आ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। और इसलिए इसमें आज हमने उचित समझा कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश भर में, हिमाचल भी देश का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार, उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। आज हमने ज्ञापन देकर के अपनी बात वहां पर कही है। हम CEO को मिले हैं और हमारे माननीय विधायक भी साथ में थे, हमने अपनी बात रखी है और मैं इस बात के लिए हमने आग्रह किया, हमने मांग की है तुरंत प्रभाव से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बंद किया जाए।
इसी तरह के फॉर्म विधानसभा के चुनाव से पहले भरे गए थे, लेकिन उसके बावजूद 1500 रुपए नहीं मिले। इसी प्रकार के फॉर्म अब दोबारा लोकसभा के चुनाव से पहले भरने की प्रक्रिया शुरू की है और अब भी नहीं मिलने वाले हैं। मालूम है कि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता लग गई, अब तो अब इसके बाद घोषणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि देने तो है नहीं। और मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, इस संदर्भ में हमने इलेक्शन कमीशन को जो आग्रह किया है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।